तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दिल्ली की जान छोले भटूरों से। 4 कप मैदा, अब डालेंगे सॉल्ट, साथ में ही बेकिंग पाउडर और उसको छान लेंगे। चलिए इसमें डालते हैं 2 चम्मच दही और अब डालेंगे दूध और इस बैटर को गूंदने के बाद 5 से 6 घंटे तक हम डालेंगे रेस्ट करने के लिए ताकि ये फर्मेंट हो जाए। अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा तेल रेस्टिंग करने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। चलिए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, अब इसके पेड़े काट लेते हैं। इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल। अब करते हैं इसको फ्राई। चलिए ये भटूरे तो फ्राई हो गए हैं, अब तैयारी करते हैं इसके बाद छोलों की। गार्लिक को चॉप करेंगे, फाइन चॉप। अब करेंगे टमाटो, अब करते हैं अनियन, अब करेंगे अदरक, अब करते हैं हम इसको ब्लेंड, जिसमें आएंगे हम गार्लिक, टमाटोज, अनियन, जिंजर और डालेंगे छोले जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और नमक। चालू करते हैं गैस, 3 से 4 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच जीरा, गार्लिक, जिंजर, अनियन, टमाटर। अब डालते हैं इसके अंदर जो हमने पहले मसाला भुना था ना, वो डालते हैं इसके अंदर। ये डालने के बाद पहले डालते हैं लाल मिर्च, गरम मसाला। चने बना रहे हैं तो चना मसाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सारे मसाले तो डल चुके हैं, पानी। अब डालते हैं इसके अंदर हम चने और सबसे एंड में डालेंगे हम नमक। इसको हल्का सा हम कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारे जो छोले हैं वो तैयार हो चुके हैं। देते हैं प्याज, ऐसे नींबू, हरी मिर्च और हमारे भटूरे। हल्का सा धनिया। लीजिए हमारे छोले भटूरे रेडी।